नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक की नई कविता सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है उद्बोधन। बच्चों, इनके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। इनका परिचय, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनकी शुरू की शिक्षा घर में ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार रहा। गुलाम हिंदुस्तान में शब्दों के इस सितारे ने अपनी लेखनी से देश में नई अलग जगाई। आज़ादी के बाद भारत देश ने इस सपूत को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। वे राम भक्त कवि थे। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इनकी भाषा शैली पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारत के इतिहास के ऐसे अंश से ली गई हैं जो भारत के लोगों को जगाने का काम करती है, जो आज भी पुराने विचार को लेकर चल रहे हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने लोगों को धैर्य, वीरता, पुरुषार्थ और प्रेम जैसे उच्च मूल्यों के साथ बदलते समय के नवीन ज्ञान विज्ञान को अपनाकर प्रगति पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो चलो बच्चों, ऐसे महान राष्ट्रकवि कविता जो है उद्बोधन, जिसका अर्थ है जगाना, तो इस कविता को हम पढ़ते हैं, इसका पहला पद, और देखते हैं उसके भावार्थ और उसके कठिन शब्दों को भी। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। संसार के समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दीन भरो, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। हे भाग्य की क्या भावना, अब पाट पौरुष का पढ़ो। हे सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। बच्चों, देखते हैं पहले इनके कठिन शब्दों को। संसार यानी विश्व, दुनिया। समरस्थली का अर्थ है युद्ध भूमि। धीरता यानी धैर्य। नीच यानी अपने। इष्ट पथ यानी इच्छित मार्ग। मृतक सम का अर्थ है मरे हुए के समान। वरवीर यानी शूरवीर। विघ्न यानी संकट, बाधाएं यानी समस्या। हरो यानी दूर करना। व्यर्थ यानी बेकार का। ऊंचे चढ़ो का अर्थ है महान बनो। भाग्य यानी नसीब। पौरुष यानी शक्ति। ग्रास यानी निवाला। उद्यम यानी परिश्रम। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इसका भावार्थ। हमारे पहले पदों का भावार्थ इस तरह से है। कवि कहता है कि संसार रूपी इस युद्ध भूमि पर धैर्य धारण करो और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए मार्ग में आने वाली बाधाओं या समस्याओं से मत डरो। तुम जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान केवल अपने दिन पूरे मत करो। अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार होता है, तब जिस तरह उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बचती, तब वह केवल निस्तब्ध पड़ा रहता है, अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकता, पूरी तरह दूसरों पर अवलंबित होता है। इस तरह हमें जीना नहीं है, बल्कि शूरवीर बनकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं दूर करना है। बेकार में तो बैठना बिल्कुल नहीं है, कुछ काम कर आगे बढ़ते रहना है और महान बनना है। हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि अपना भाग्य बनाने के लिए हमें जीवन में पौरुष को यानी शक्ति को ज़्यादा स्थान देना होगा अपने अंदर। वह इसलिए कि तुम यह बहुत अच्छी तरह जानते हो कि हमारे सामने रखा हुआ ग्रास यानी निवाला अपने आप हमारे मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हे मनुष्य,
इस बात से भी तुम्हें परिश्रम करने का ध्यान क्यों नहीं आता है? तो बच्चों, यहाँ पर हमने चित्र द्वारा आपको इस भावार्थ को समझाने का प्रयास किया है। जैसे पंक्तियों को हमने पढ़ा था, वहाँ पर चित्र दिया है कि इस संसार को युद्ध भूमि कहा है। वो इसलिए युद्ध भूमि कहा है ताकि इस संसार में कई प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। उसी तरह से बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है और कई प्रकार की आपदाएं होती है, जिससे हमें उलझना पड़ता है, जूझना पड़ता है और हमें अपने आप को संवारना पड़ता है। और यही तो हमारी युद्ध भूमि है। और यहाँ पर आराम के साथ नहीं बैठना है, क्योंकि जब हम शांति से आराम के साथ बैठेंगे, दिमाग को कुछ काम नहीं देंगे, तो दिमाग में बुरे विचार आते रहेंगे। और बुरे विचार जब आएंगे तो हमारे अपने आप से भी जो कृति होती है वो कृति भी बुरी तरह से ही होगी। जिस तरह से कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसी तरह से शैतान यानी हमारे दिमाग में आने वाले बुरे विचार। और कभी भी हमें अपने भाग्य के ऊपर नहीं रहना है, या किसी भी बुरे समय में अपने नसीब को कोसना नहीं है, बल्कि अपने भाग्य को हम खुद अपने हाथों से मेहनत द्वारा बदल सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने मेहनत यानी परिश्रम को कवि ने इसी उदाहरण से समझाया है कि जिस तरह से रोज़ाना हमारे सामने खाना जो होता है, उस खाने की प्लेट को हम केवल देखकर ही हमारा पेट नहीं भरता है, उस प्लेट में सजे हुए जो पदार्थ होते हैं उसे हमें अपने मुंह में डालने के लिए उसे हाथों से उठाना पड़ता है, ये मेहनत ही है। और इसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि सामने रखा हुआ ग्रास भी अपने आप हमारे मुंह में नहीं जाता है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। तो रोज़ की इस मेहनत से ही कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हें परिश्रम करने का ध्यान क्यों नहीं आता? और यही यहाँ पर उन्होंने समझाया है कि मनुष्य के जीवन में परिश्रम कितना महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा परिश्रम ही करना चाहिए। समझ गए बच्चों? इस पहले भावार्थ में उन्होंने संसार को युद्ध भूमि कहा है। किस तरह से हम इस संसार में लड़ते रहते हैं और अपने आप को संवारते हुए आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं, अपना विकास करते रहते हैं, और इन सब के लिए परिश्रम बहुत ज़रूरी है, पौरुष बहुत ज़रूरी है, शक्ति बहुत ज़रूरी है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं हम इस कविता का अगला पद। तो बच्चों, हमारा दूसरा पद इस तरह से है कविता का, रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी में एकता, तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, हे भाई बातों से कभी अंतकरण खिलता नहीं। बच्चों, यहाँ पर अविवेकता यानि अतार्किक, अंतकरण यानि हृदय और मन, तो इसका भावार्थ हम जान कर लेते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि लोगों के मिलजुल कर रहने से ही एकता रहती है। इसीलिए मन से अविवेकता को निकालकर मन के विचारों को जोड़ना है। केवल लोगों को मिलने से एकता नहीं होती, उसके लिए लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए, अपने सुख दुख को बांटना चाहिए, लोगों के चेहरे के भाव से न के उनके मन के भाव को जानना है। यह तब होता है जब व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उसी तरह केवल बाह्य दिखावे से अंतकरण प्रसन्न नहीं होता, उसी के लिए मन से मेल जोल की भावनाएं रखनी चाहिए। जैसे कि बच्चों, तुम पढ़ाई करने बैठ गए हो, मगर तुम्हारा जो मन है वो पढ़ने का नहीं है, फिर भी तुम केवल अपने घर वालों को दिखाने के लिए किताब लेकर बैठ गए हो और जोर जोर से पढ़ रहे हो, लेकिन जो पढ़ रहे हो वह तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा है, नहीं बैठ रहा है, वो इसलिए
क्योंकि तुम वो अपने अंतकरण से नहीं पढ़ रहे हो। इसी बात के ऊपर कवि हमें समझाना चाहते हैं कि कोई भी काम अंतकरण से करो तो ही वह अच्छा और बिना गलती का तथा समय पर पूरा होता है और वो हमारे स्मृति पटल पर अच्छी तरह से छा जाता है, अनंत समय तक वो हमारे दिमाग में रह जाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा पद, देखो क्या समझा रहे हैं। जड़ दीप तो देख कर हमें आलोक जलता आप हैं, पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं? हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। यहाँ पर देखते हैं पहले कठिन शब्द, जड़ यानि बेजान, आलोक यानि प्रकाश, संताप यानि कष्ट दुख, जगत संसार, गए बीते यानि बुरे, इस भांति यानि इस प्रकार। तो देखते हैं इसका भावार्थ। इन पंक्तियों द्वारा कवि यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह एक निर्जीव दीपक स्वयं जलकर हमें प्रकाश देता है, मगर हम मनुष्य सजीव होकर भी एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। क्या हम उस निर्जीव दीपक से भी गए बीते हैं यानी बुरे हैं? इस प्रकार तो हमारी परंपरा नहीं रही है, फिर भी हम क्यों दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दीपक के समान दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करना चाहिए। यही यहाँ पर कवि ने समझाया है कि देखो हम आज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संताप दे रहे हैं यानी कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं। हम किसी की भावनाएं समझ नहीं पाते हैं और दूसरों को हम कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। यानी कि हमारे पूर्वज इस तरह से नहीं जीते थे, उन्होंने इस तरह से हमारी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाया है, उन्होंने परोपकार सिखाया है हमें और आज हम उस परोपकार को भूल गए हैं। तो यही कवि ने यहाँ पर समझाया है कि उस दीपक की तरह तुम भी लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाना सीखो, लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो, उनकी भावनाओं को समझो, ना कि उन्हें कष्ट पहुँचाओ। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने जड़ दीप यानि एक निर्जीव दीपक से हमें यह सीख सीखने के लिए कहा है। आज हम यही तीन पदों को सीखने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको हर पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं तथा उनका भावार्थ भी लिखकर दिया हुआ है। तो ये कविता आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आप इस भावार्थ को पढ़ेंगे तो आपको फिर से अपने आप को भी समझाने के लिए आ जाएगा।